खाने आए हो आप? हम सागर पे गए। सागर पे आए हो? ये तो क्या खा रहे हो अभी? ये बर्गर है। बर्गर बर्गर है? हाँ, बीफ बर्गर। बीफ बर्गर है। असलम भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम कपड़े बना रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है भाई। अब आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ये सबसे आसान है। नागन चौकी से जब सॉस आगे चलते हैं तो मेन यूपी मोड़ है। यूपी मोड़ बहुत मशहूर है। उल्टे हाथ में मुड़े हैं जो रोड डिस्को मोड़ पे जा रहा है, तो ऐसा आगे चलेंगे आपको सीधे हाथ पे आपको बड़ा सा सागर नजर आ जाएगा। पता भी कह रहा है भाई, माशाल्लाह सेहत देख के लग रहा है कि चार पांच सिंगर तो खाता ही होगा। ये देखो भाई। हाँ भाई, क्या खा रहे हो बेटा? मैं नहीं ले रहा भाई। भाई देखो, ये बंदा शर्मा इसलिए रहा है कि आप इसकी जब हेल्थ देखेंगे ना तो आप ये बोलेंगे कराची के अंदर कोई ऐसा आइटम नहीं होगा फास्ट फूड का जो उसने नहीं खाया हो। कैसा भाई, देखें आप ये देखें आप। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई। अच्छा, कल मैंने मैच देखा था ना अपना इस्लामाबाद का ना, आजम खान ने बहुत धोया है और ये इस वक्त धो रहा है यहाँ पर सागर को। ये देखें भाई। ये अस्सलाम वालेकुम जी, अदनान गाजी आपके साथ है सागर के ऊपर। देखिए, सागर ने मिठाइयों के बाद अब खोल दिया है सागर किंग फास्ट फूड। फास्ट फूड इसलिए खोला है कि यार मिठाइयों का जायका तो बहुत हो गया, पांच ब्रांचें खोल दी। देखिए, अब इन्होंने बोला कि यार नॉर्थ कराची 11B के अंदर बिल्कुल सागर स्वीट्स के बराबर में, इनकी पहली ब्रांच है, उसके बराबर में आपको मिलेगा सागर किंग के नाम से फास्ट फूड। और इनके पास ऐसे जदीद और अपना लग्जरी आइटम्स हैं जो आपको इस वक्त मिलेंगे नॉर्थ कराची 11B के अंदर। एड्रेस की बात करता हूँ तो एड्रेस सबसे आसान है। नागन चौकी से जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मेन यूपी मोड़ है। यूपी मोड़ बहुत मशहूर है। उल्टे हाथ में मुड़े हैं जो रोड डिस्को मोड़ पर जा रहा है, थोड़ा सा आगे चलेंगे आपको सीधे हाथ पे आपको बड़ा सा सागर नजर आ जाएगा। और ये बड़ा सागर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल सागर बड़ा मशहूर हुआ है पूरे कराची के अंदर। पांच मिठाइयों की दुकानें खोल दी, लेकिन अब ये आ गया है बर्गर और फास्ट फूड के अंदर। देखें, कराची के अंदर अमूमन हम ठेलों के ऊपर 80-90 रुपये का बर्गर खाते हैं, लेकिन 90 रुपये का बर्गर सागर इस वक्त दे रहा है अपने इतने अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर। हाँ, जिसको अगर अच्छा बर्गर खाना है, अगर ज़्यादा उसकी अच्छी रेंज है, तो वहाँ पर इनको अच्छे अच्छे बर्गर आपको अंदर मिलेंगे। तो अभी इस पूरी वीडियो को अंदर चलते हैं, इस पूरी वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन खाने आ रहा है, और शेफ़ से बात भी करते हैं कि यार ये ऐसे जायके वो कहाँ से लेके आ रहा है। या मिठाइयों में बड़े जायके दे दिए आपने, अब आप शादर अपना सागर किंग के हिसाब से आप फास्ट फूड में भी आ गए। तो चलें अपनी वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, तो अंदर चलते हैं। सागर पे आए हो? ये तो क्या खा रहे हो अभी? ये बर्गर है। बर्गर बर्गर है? हाँ, बीफ बर्गर। बीफ बर्गर है? मजा है? टाइट है? टाइट तो नहीं है, लेकिन नरम है। नरम है, पक्की बात है। वाह भाई वाह। ये देखो, ये बंदा भी खा रहा है भाई, माशाल्लाह सेहत देख के लग रहा है कि चार पांच सिंगर तो खाता ही होगा। ये देखो भाई। हाँ भाई, क्या खा रहे हो बेटा? मैं नहीं ले रहा भाई। भाई देखो, ये बंदा शर्मा इसलिए रहा है कि आप इसकी जब हेल्थ देखेंगे ना तो आप ये बोलेंगे कराची के अंदर कोई ऐसा आइटम नहीं होगा फास्ट फूड का जो उसने नहीं खाया हो। कोई बात नहीं। ये बताएं कि बेकरियों में आपने मिठाइयां तो बड़ी खाई हैं और आज आप माशाल्लाह ये बर्गर खा रहे हैं, तो क्या सोचा आपने यार सागर की मिठाइयों के बाद अब आप फास्ट फूड में आ गए? अभी जो ये फास्ट फूड खा रहा हूँ मैं, ये तो बहुत शानदार है और आता है, तो जायका भी थोड़ा मुनफरिद है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लगभग देखें, ये पूरा सिस्टम आप देखें यहाँ सिस्टम है। तो मजीद अब अंदर चलते हैं, अंदर जाकर अब शेफ से बात करते हैं कि यार वो कौन कौन से नायाब आइटम बना रहे हैं। ये आप देखें, माशाल्लाह देखिए बंदा देखो खा कैसे रहा है। देखें आप ये देखें आप। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई। अच्छा, कल मैंने मैच देखा था ना अपना इस्लामाबाद का ना, आजम खान ने बहुत धोया है और ये इस वक्त धो रहा है यहाँ पर सागर को। ये देखें भाई। ये क्या बात है भाई, क्या खा रहे हैं अभी? इससे पहले कभी खाया आपने ये? सेकंड टाइम खा रहा हूँ। सेकंड टाइम खा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। मौजूद हैं अरसलान भाई। अरसलान भाई मुझे बताएं यार, क्या अभी आप बना के दिखाएंगे हमें? सर, सागर से स्पेशल बर्गर बना के दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको क्रिस्पी बर्गर बना के दिखाऊंगा। मैक्सिकन क्रिस्पी बर्गर। क्रिस्पी बर्गर जो कि सिंगर, ये मैक्सिकन बर्गर बन रहा है हमारा।
और सागर स्पेशल बर्गर, जिसमें डबल पैटी होती है हमारी, डबल पैटी विद चीज, आइसबर्ग, फिर हमारा ब्लॉगनर स्लाइस है इसमें, ब्राउनीज हैं, हमारे इसमें अनियन रिंग है, एलेपिनोस, इतने सारे लवाजमात डाल रहे हैं आप, फेर तो है क्योंकि ये हमारा स्पेशल है, स्पेशल है आपका ये। फिर हमारी स्पेशल सॉस है, इसमें दो सॉसेज आती हैं, एक चिपोटले सॉस है, क्या बात है क्या बात है, और इसमें दूसरी एक हमारी रेंच सॉस है, दो सॉसेज हैं, क्या बात है। ये आपका सागर से स्पेशल तैयार हो, ठीक है, हमने जो है ये बनाया है सागर से स्पेशल बीफ बर्गर, ठीक है सही है। अब हम आपको मैक्सिकन क्रिस्पी बर्गर बना के देते हैं, ये है जिंगर बर्गर हमारा, स्पेशल जिंगर बर्गर है, ठीक है, मैक्सिकन जिंगर बर्गर है, ठीक है। ये हमारे घर से आपने काम कहाँ पर सीखा सर? मैंने काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में तकरीबन 10 साल से हूँ, मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, ठीक है, जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स ओपन कराता हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओपन कराए। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने 10 जगह 10 साल के अंदर आपने सब सिर्फ ये जायके सीखे हैं, बस हर जगह से ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ और सिर्फ जायके सीखे हैं, जायके सीखे हैं जी। क्यों आप जितना अच्छा आपका एक मेयार लग रहा है, जिस तरह से आप इतने ये बनाया, अब आप ये बना रहे हैं और जितने अंदर इसकी खूबसूरती नजर आ रही है मुझे, और जो उसमें लवाजमात आप बार बार डाल रहे हैं, जैसे मुँह में पानी आ रहा है सर, आप टेस्ट करेंगे, लेकिन इतने बड़े हमारे मुँह है नहीं भाई। ये हमारी स्पेशल रेंच सॉस है जी जी जी। वैसे बेसिकली मेरी जो स्पेशलिटी है वो कॉन्टिनेंटल की है, चाइनीज है जी जी, पाकिस्तानी कुछ ही है जी जी, ये कंसल्टेंसी हम करते रहते हैं सही। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10वां प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि हम इसको इख्तिताम पे हैं हमारे। अच्छा जी जी हाँ, ये हमारे दोनों बर्गर तैयार हो गए, तैयार हो गए, नहीं काटे हैं। अच्छा अब आप क्या बनाएंगे? अच्छा अब मैं आपको स्टेक सैंडविच बनाऊंगा, ठीक है। ये आपके दो बर्गर तैयार हो गए, ठीक है ठीक है। स्टेक सैंडविच, जूसी जूसी स्टेक सैंडविच जी। ये है हमारी होममेड चिबाटा ब्रेड है, क्या बात है भाई। इसमें हमारे फ्रेश वेजिटेबल्स आएंगे, 10 साल का एक्सपीरियंस आप इस वक्त हनीफ सागर के पास शो कर रहे हैं जी। इनकी बेकरी का जो प्रोजेक्ट है वो भी हमने ही किया है। अच्छा जी हाँ, बेकरी के जायके भी आप लेके आए जी, बिल्कुल। तो बेकरी भी ओपन हो गई अब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप मिठाई भी बनाया जानते हैं और ये काम भी जानते हैं, क्या बात है क्या बात। फिर ये हमारा ये टेंडर लाइन बीफ आ गया हमारा, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें मशरूम्स हैं, इसमें कैप्सिकम है, एलेपिनोज हैं, और हमारी स्पेशल सॉस है, क्या बात। फिर हमारे इसमें टोमेटोज आ गए, फ्रेश वेजिटेबल आ गई हमारी, क्या बात भाई। अनियन है, क्या बात। फिर हमारी स्पेशल इसमें सॉस है, या प्याज बहुत महंगी है इसलिए आपने दो रखी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कराची में प्याज का रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन बताऊँ इतने में सिर्फ दो ही होती है। फिर हमारी ऑन टॉप इस पे चीज आ गई, ये चीज आ गई, देखिए चीज देख सकते हैं आप, माशाल्लाह भाई क्या बात है भाई, ऑन टॉप हमारी चीज आ गई, ये भी चीज आ गई। ये हमारी स्पेशल ब्रेड में तैयार हुआ है, इसको कहते हैं चिबाटा ब्रेड। ये हमारी चिबाटा ब्रेड में स्टेक सैंडविच, क्या बात है भाई। ये जी असम भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम रैप कपड़े बना रहे हैं, बिल्कुल, क्या बात है भाई। अब आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बार, ठीक है, मतलब कि हम ऐसा पकड़ के दबा के खाएंगे, बिल्कुल, तो सप्रेस करके बाद फिर आप, क्या बात है भाई। अच्छा इतना तकल्लुफ हमारे लिए हो रहा है या कस्टमर के लिए होता है? कस्टमर्स के लिए सर, आप आए हमारे ओनर भी आते हैं तो उनके लिए भी यही है, यही है ना बस, क्या बात है भाई। ये देखिए आप बड़े तरीके से देखें काम हो रहा है, और जिस तरह इसको चादर उड़ाई जा रही है, स्कार्फ बांधा जा रहा है, देखें आप सर के ऊपर स्कार्फ लगा रहे हैं, ये हो गए दो, क्या बात है भाई। अभी से भाग रहे थे भाई, मतलब कि वो ना हमने देख लिया इसको, मुँह पानी आ रहा है, अब इसकी बारी आएगी। ये देखिए भाई, ये है अपना बीफ बर्गर, और हनीफ भाई आ गए हैं, हनीफ भाई मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए माशाल्लाह हनीफ भाई, क्या सोच के आपने ओपनिंग कर दी भाई। देखिए हनीफ भाई यहाँ शर्मा रहे, क्योंकि हनीफ भाई ने बड़े रिव्यू दिए हैं मिठाइयों के, बोलते ना इसका ही दूंगा मैं। वो तो कर रहा है, ढूंढ नहीं है, तो ऐसी बात कर रहा है यार। सर ये बताएं, लगा कैसा लगा आपको?
बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये नहीं ट्राई किया आपने? नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा। अभी खाएंगे? गुंजाइश ही नहीं, मैंने बहुत खा चुका हूँ और जायके जायके मैंने बहुत। ये मुझे बताएं, इतना बड़ा मुंह कहाँ है मेरा? इतना बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो खा लेंगे। आप ये देखें, ये ना खाए तो ना इंसाफी होगी। ये हर बर्गर आपको मिलते हैं, ये भी बड़े शानदार है। देखें एड्रेस आपको समझा दिया हमने, ये तो अपडेट सुन लें। नागरिक आते हैं यूपी मोड, जब आप उल्टे उल्टे हाथ पर जो जा रहा है डिस्को मोड पर सीधे आएंगे, आपको सीधे हाथ पर 400-500 कदम की ड्राइव पे आपको नजर आएगा सागर बेकरी, इसके बराबर में सागर किंग। यहाँ पे आएं, इनका जायका उससे फायदा उठाएं। हाँ एक बार बता दूं आपको, जो लोग 50-60-70 रुपए का बर्गर खाते हैं, 80-90 का खाते हैं, अंडे वाला बर्गर अब यहाँ मिल जाएगा, आपको मिलेगा सागर किंग के ऊपर सिर्फ 90 रुपए का। जो आप ठेलों पर खाते हैं वो आपको मिलेगा सागर किंग के ऊपर। कोई भी मतलब कोई बंदा अगर खाली नहीं जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे जरूर उसको लाइक करें, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। अपना हौसला ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में, नए खाने पे, नई जगह पर जाकर।